राहुल गांधी एक बार फिर से अपनी यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये यात्रा अल्प विराम के बाद दोबारा से उत्तर भारत के सड़कों पर चलती हुई नजर आने वाली है। देश की राजधानी दिल्ली के कश्मीरी गेट के बाद ये यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, जहां गाजियाबाद से होते हुए बागपत की ओर जाएगी। भारत की राजनीति के केंद्र कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में इस यात्रा को प्रवेश करने से पहले विपक्ष के साथ 57 लोगों का भी साथ मिलता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा का विपक्ष के बाद अब राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी का भी समर्थन मिला है। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने सोमवार को राहुल गांधी को पत्र भेजकर भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी हैं। पत्र में उन्होंने लिखा है कि आपकी ये जो देश जोड़ने की यात्रा है वो पूर्ण हो, जो लक्ष्य लेकर आप चल रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले, देश के हित में जो भी कार्य कर रहे हैं वो वास्तव में सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय वाला है। हमारी मंगल कामना है कि आपकी यात्रा सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। उत्तर प्रदेश में चल रही इस यात्रा के समर्थन के रूप में भले ही विपक्षियों का आशीर्वाद मिला हो, लेकिन जिस जाटलैंड वाले यूपी के जिलों में ये यात्रा गुजरेगी वहाँ के किसान नेताओं का समर्थन जरूर मिलता हुआ दिख रहा है। इन किसान नेताओं में सबसे पहले राकेश टिकैत ने अपना समर्थन दिया है, तो वहीं इस दौरान राहुल के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी साथ चलती हुई दिखेंगी। उत्तर प्रदेश में लगभग 130 किलोमीटर के सफर तय करने जा रही इस यात्रा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का यात्रा से जुड़ी निमंत्रण के लिए धन्यवाद किया और इस मुहिम की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। इसके अलावा प्रदेश की दूसरी विपक्षी पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने इस यात्रा के लिए राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी और इस यात्रा में शामिल होने के लिए लिखी गई चिट्ठी के लिए राहुल को धन्यवाद भी दिया। दक्षिण भारत से शुरू हुई ये यात्रा आज देश के उस राज्य के राहों पर चल रही है जिसके राहब के बगैर के संसद तक पहुंचा नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश में 130 किलोमीटर के इस सफर के दौरान ये यात्रा राज्य के 3 जिलों से गुजरेगी, जहां 3 लोकसभा सीटें और 11 विधानसभा की सीटें हैं। इन जिलों में बागपत और शामली वाली जाटलैंड भी आएगा, जहां कांग्रेस पिछले कई सालों से सुस्त पड़ी है और इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस यात्रा से काफी उम्मीदें भी हैं। अब देखना ये होगा कि पिछले 14 साल से गाजियाबाद, 27 सालों से बागपत और 39 सालों से शामली में कांग्रेस की खोई जमीन क्या इस 130 किलोमीटर की यात्रा से हासिल हो जाता है या इसके लिए कांग्रेस को और इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।